इंडियन पॉलिटी 1990 के दशक के में विभिन्न राजनीतिक दल में बड़ी अफरा-तफरा मची। इस कार्टून की तरह कईयों को यह सब ऊंची चरखी की सवारी जैसे जान पड़ा। यह कार्टून में राजीव गांधी, बीपी सिंह, एल के आडवाणी, चंद्रशेखर, ज्योति बसु, टी एन रामा राव, देवीलाल, पी के महंत, आर के करुणानिधि को चरखी पर सवार दिखाया गया है। ये चरखी पर सवार लोग हैं। इस अध्याय में हम पिछले 2 दशक के दशकों की भारतीय राजनीति का एक सीधा संक्षिप्त जायजा लेंगे। इस अवधि में कुछ जटिल किस्म के बदलाव आए। कई कारकों ने साथ मिलकर इस अवधि में अप्रत्याशित परिणाम दिए। राजनीति के इस नए दौर में पूर्वानुमान कर पाना असंभव था और अब भी इसे समझना बहुत कठिन है। इस दौर के बदलाव बड़े विवादास्पद हैं क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुड़े हुए हैं और हम सब अभी इन बदलावों से इतने दूर नहीं जा पाए हैं कि इनके स्वरूप को साफ साफ परख सकें। बहरहाल, इस दौर के राजनीतिक बदलाव को लेकर हम कुछ बुनियादी सवाल कर सकते हैं। गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारा लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा? मंडलीकरण क्या है? इसने राजनीति प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदला? राजनीतिक लाभ मंदी के लिहाजा से राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंसक ने क्या विरासत छोड़ी? नीतिगत मामलों पर एक सर्व सहमति सी बन गई। इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज से क्या असर हुआ? यह अध्याय इन सवालों के जवाब नहीं देता। इस अध्याय में आपको कुछ सवाल सूचनाएं दी गई हैं और कुछ तरीके बताए गए हैं ताकि जब आप इस किताब को आखिरी तक पढ़ लें तो आप ये सवाल पूछ सकें कि इनके जवाब तलाश सकें। ये सवाल राजनीतिक लिहाजा से संवेदनशील हैं, लेकिन मात्र इसी कारण से हम इन सवालों को पूछने से बच नहीं सकते। आज़ादी के बाद की भारतीय राजनीति के इतिहास को आखिरी पढ़ने का मकसद क्या मकसद ही क्या यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें। भारतीय राजनीतिक नए बदलाव 1990, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी विजय मिली। 1980 के दशक के आखिरी सालों में देश में ऐसे 5 बदलाव आए जिनका हमारे आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। पहला, इस दौर की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार, जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा में 415 सीटें जीती थी, वह इस चुनाव में महज 197 सीटें ही जीत सकी। 1991 में एक बार फिर मध्य विधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। बहरहाल, 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी जिसे राजनीतिक विज्ञान अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। यह बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही और 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज्यादा दिनों तक रहा। लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी, वैसे अब न रही। कांग्रेस लेस गवर्नमेंट, अमूल मेजोरिटी वोट। कांग्रेस नेता सीताराम केसरी ने देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चे सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। मैं सोचती हूँ, काश कांग्रेस अपनी पुरानी महिमा को फिर से हासिल कर पाती। दूसरा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की नई सरकार ने मंडल आयोग
की सिफारिश को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थन और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। इसने 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। तीसरे विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई हुई बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना। ये चित्र में कास्ट नो बार नो क्लास नो बार अमूल बार बार अमूल बेटर इवरी मेंडर्स चॉइस। मैं पक्के तौर पर यह जानना चाहता हूं कि इस घटना के दूरगामी परिणाम हुए मंडलीकरण पर एक प्रतिक्रिया गया। इनकी शुरुआती राजीव गांधी की सरकार के समय हुई और 1991 तक ये बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आजादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुआ। बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकार बनी सब ने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। चौथे घटना के एक सिलसिले का परिणित अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्धि के विध्वंसक के रूप में हुई। यह घटना 1992 के दिसंबर महीने ये जोखिम और परेशानी भरा काम हाँ तो है, लेकिन एक बार हम वहां तक पहुंच गए तो फिर सारी चिंताएं खत्म। जरा यह भी तो सोचो अब नई अर्थव्यवस्था का निर्माण कार्य पर प्रगति। खुशहाली का इस नगरी में आपका स्वागत है। अगर हर सरकार एक सी नीति पर अमल करे तो मुझे नहीं लगता कि इससे राजनीतिक में कोई बदलाव आएगा। ये IMF डब्ल्यू या WB लोन सभागार आर के लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया से ये चित्र लिया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की नई आर्थिक नीति की शुरुआत दौर में दिखता एक कार्टून में घटी और इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तन को जन्म दिया और उनके प्रतीक बनी। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद का धर्म निरपेक्षता पर बहस तेज हो गया। इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 19 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव पता नहीं राजनीतिक दलों को कैसे प्रभावित करेगा। ईश्वर अल्लाह तेरे नगम तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। बढ़ती हुई सांप्रदायिक पर चिंता जाहिर करता एक विज्ञापन अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौर पर थे। तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनका हत्या कर दी। 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। ये आउटलुक शुड है बी मी स्माइलिंग। ये आउटलुक चैंपियन इंडिया टुडे और ये इंडिया टुडे द बेस्ट एंड द वर्स्ट 25 अक्टूबर 1995 1 मई 1996 20 अगस्त 2001 और 25 अक्टूबर 2004 कांग्रेस नेतृत्व तो कई बार सुर्खियों में छाया रहा। गठबंधन का युग 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चे का यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था। पारस्परिक विरोध दो राजनीतिक समूह भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चे ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की। ये दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे।
सभा का सुधीर ले तैलंग एच टी बुक ऑफ कार्टून्स पीबी सिंह की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चे सरकार को वाम मोर्चा यहां प्रतीक के रूप में ज्योति बसु और भाजपा यह प्रतीक के रूप में एल के आडवाणी के समर्थन दिया था। कांग्रेस का पतन। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में उसका दबदबा खत्म हो गया। अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई थी। क्या आपको यह चर्चा याद है? 1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस एक छत्र राज्य की चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति में पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। बहरहाल इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई है। इस दौर से कांग्रेस में दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। यह तो सुनिश्चित ही है कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ी आई है। हमारे संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे। 1989 के बाद एक नई बात देखने में आई। अब कई पार्टियां इस तरह उभर की किसी एक दो पार्टी की को ही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि 1989 के बाद से लोकसभा के चुनाव में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने माता पिता से 1990 के दशक के बाद से हुई घटनाओं के बारे में पूछें और इस समय की उनकी यादों को खुले दें। उनसे पूछिए कि उस दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में वे क्या सोचते थे। समूह बनाकर एक साथ बैठिए और अपने माता पिता द्वारा बताई गई घटनाओं की एक व्यापक सूची बनाइए। देखिए कि किस घटना का जिक्र ज्यादा आया है। फिर इस अध्याय में जिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव का जिक्र आया है उनसे तुलना कीजिए। आप इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों कुछ लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी जबकि दूसरों के लिए नहीं। खोजबीन। गठबंधन की राजनीति। 90 के दशक कुछ ताकतवर पार्टियां और आंदोलन के उभार की साक्षी रहीं। इन पार्टियों और आंदोलन ने दलित तथा पिछड़े वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की नुमाइंदगी की। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी मत दावेदारी की। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों की अहम किरदार निभाई। संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किसी कदर छुई मुई थे। 1989 में भाजपा और वाम मोर्चे दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को समर्थन दिया क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चे दोनों इस बार भाजपा की सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। बहरहाल इन्हें ज्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 तथा 1996 में चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। 1996 के चुनाव में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इसी वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन राजनीति जनतांत्रिक गठबंधन जग के अगुवाई के रूप में सत्ता में आई और 1998 के मई से 1999 के जून तक सत्ता में रही और 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। राजद की इस दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 के रजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। 1997 और 1999 ये सभागर अजीत मेमन इंडिया टुडे से वक्त वक्त की बात है।
ज्यादा दिन नहीं हुई, बस चंद सालों पहले। वह भी एक वक्त था जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से होती थी और उसका खात्मा भी कांग्रेस पर होता था। एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से लेकर बहुदलीय गठबंधन प्रणाली तक के सफर पर एक कार्टूनिस्ट की नजर है। इस तरह 1989 के चुनाव में भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकार थी अथवा दूसरी दलों के समर्थन पर टिकी अल्पतम की सरकार थी जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुई। इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टी की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। यह बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे सरकार 1996 और 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार 1998 और 1999 की रजत 2004 और 2009 के सरकार पर समान रूप से लागू होती है। हालांकि 2014 में यह प्रवृत्ति बदल गई। आइए अब तक जो हमने सीखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें। माना जा सकता है कि गठबंधन सरकार का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलाव ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया हुए भारतीय राजनीति की गठबंधन की सरकार के युग के तरफ ले आई। केंद्र सरकार 1989 के बाद अवधि गठबंधन सरकार में शामिल पीबी सिंह दिसंबर 1989, नवंबर 1999 राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन, चंद्रशेखर नवंबर 1990, जून 1991 राष्ट्रीय मोर्चे का एक तबका, समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस का समर्थन, पीबी नरसिंह राव 1991 जून 1991 से मई 1996 कांग्रेस, AIDMK तथा कुछ अन्य दलों के समर्थन, अटल बिहारी वाजपेयी मई 1996 से जून 1996 भाजपा अल्पतम सरकार, HD देवगौड़ा जून 1996 अप्रैल 1997 कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा का सरकार, इंद्र कुमार गुर्जर अप्रैल 1997 से 1998 कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चे की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 मार्च 1998 अक्टूबर 1999, फिर से दोबारा अक्टूबर 1999 मई 2004 भाजपा नीति रजत गठबंधन, मनमोहन मई 2004 से मई 2014 कांग्रेस नीति सप्रंग गठबंधन, नरेंद्र मोदी मई 2014 के बाद अब तक भाजपा नीति राजद गठबंधन। वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी के लिए देखें httpPM India Government in HI। नोट, यहाँ कुछ खाली स्थान छोड़ दिया गया। आप किसी सरकार की मुख्य नीति, कामकाज और उन पर उठे विवादों की कुछ सूचनाएं लिख सकते हैं। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद से ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। इसमें विभिन्न हितों, सामाजिक समूहों और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली कहा गया। पांचवें अध्याय में हम यह बात पढ़ चुके हैं कि 1960 के दशक से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। हम इस बात पर भी गौर कर चुके हैं कि 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभरी पाई कि कांग्रेस का विकल्प बन सके। चलो मान लिया कि भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक राजनीति का तकाजा है, गठबंधन बनाना है, लेकिन क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि हमारे देश में हमेशा ही गठबंधन बनते चले आ रहे हैं अथवा राष्ट्रीय स्तर पर दल एक बार फिर अपना बुलंद मुकाम हासिल करेगा। मुझे इसकी चिंता नहीं कि सरकार किसी एक पार्टी की है या गठबंधन की। मसला तो यह है कि कोई सरकार काम कौन से कर रही है। क्या गठबंधन सरकार में ज्यादा समझौते करने पड़ते हैं? क्या गठबंधन सरकार साहसी और कल्पनाशील नीति अपना सकती
नीतियां नहीं अपना सकती है। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीति उदय इस अवधि एक दूरगामी बदलाव था। अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय, आप ओबीसी शब्द से परिचित होंगे, इससे विचार विवेच कि एक प्रशासनिक कोट यानी पिछड़ा वर्ग अथवा अदर बैकवर्ड्स क्लासेज का संकेत किया जाता है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। छठे अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि पिछड़ी जाति के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे, उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई और इन दलों ने इस सब तबके का समर्थन हासिल किया। आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसी दलों के राजनीति अभियुद्ध की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई। जनता पार्टी के कई घटक मसलन भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़े वर्ग में ताकतवर जनाधार था। मंडल का लागू होना 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसी ही राजनीतिक समूहों की जनता दल ने एकजुट किया। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक को सुगठित रूप देने में मदद मिली। नौकरियों में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग हुआ, जो इस तबके को लाभबंद करना चाहते थे उन्हें इसकी फायदा हुआ। और इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आई जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया। इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम है। द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, बीजेपी विड्रॉ सपोर्टेड टू एनएफ गवर्नमेंट, अडानी इज द अरेस्टेड इन समस्तीपुर, ये बंधन ब्रिंगिंग इन दिल्ली टू द हॉल्ट, स्टॉर्म ओवर द एडिशन कोटा, मंडला आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर राजनीति माहौल सरगम हो उठा, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए। मंडल आयोग दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो भी कभी कभी कम से कम 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। बहरहाल यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। 1997 से 1979 की जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज उठाई गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणीय थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया। इसके जिम्मे पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। आजादी के बाद से यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसे आयोग नियुक्त किया। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग का दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। आमतौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। मंडल आयोग की गठबंधन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता पर का पता लगाने और अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। आयोग से यह भी अपेक्षा की गई कि इन वर्गों के पिछड़ेपन पर दूर करने का उपाय सुझाएगा। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिश पेश की। इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग ने आयोग का मशविरा था कि पिछड़ा वर्ग की को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जाति से इतर ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीचे समझा जाता है। आयोग ने ऐसे एक सर्वेक्षण किया और पाया कि पिछड़ी जाति को शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग
इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ी वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए, जिनमें भूमि सुधार की भी एक था। ये पीवी मंडल 19 मतलब 1918 से 1982, 1966 से 1970 तक और 1977 से 1979 में बिहार में सांसद चुने गए। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की। इस आयोग के अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने की सिफारिश की बिहार के समाजवादी नेता 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश में से एक को लागू करने का फैसला किया। यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उप कार्यक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। सरकार के फैसले में उत्तर भारत के कई शहर में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। इस फैसले का सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और यह प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी, उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीके को लेकर कुछ मतभेद था। बहरहाल, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों में सहमति थी। राजनीतिक परिणाम 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। 1978 में बामसेफ बैकवर्ड एंड मॉनिटरिंग कम्युनिटी एम्प्लाइज फेडरेशन का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसी का परिवर्तित किस्म दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, जिसके बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई कांशीराम ने की। बहुजन समाज पार्टी बसपा अपनी शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। लेकिन 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आजाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते अब बूते ऐसी राजनीति सफलता हासिल कर पाया था। दरअसल, कांशीराम के नेतृत्व में भाजपा ने अपने संगठन की बुनियादी व्यवहार केंद्रित की नीतियों पर केंद्रित नीतियों पर रखी थी। बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक देशों की आबादी में सबसे ज्यादा है और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में ले सकते हैं। भाजपा के आत्मविश्वास को इस तथ्य से बड़ा बल मिला था। इसके बाद भाजपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने एक से ज्यादा दफे यहाँ सरकार बनाई। इस पार्टी का सबसे ज्यादा समर्थन दलित मतदाताओं करते थे, लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा भी चला। ये काशीराम क्या इस पिछड़े और दलित समुदायों के सभी नेताओं को लाभ होगा या इन समूहों के भीतर मौजूद कुछ ताकतवर जाति और परिवार को ही सारे फायदे अपने मुट्ठी में कर लेंगे? असल मुद्दा नेताओं की नहीं, जनता की है। क्या इस बदलाव में सचमुच के वंचितों के लिए बेहतर नीतियां बनेगी और उन पर कारगर तरीके से अमल होगा, या फिर यह सारा कुछ राजनीतिक खेल मात्र बनकर रह जाएगा? काशीराम 1934 से 2006 तक बहुजन समाज के सशक्तिकरण और प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी भाजपा के संस्थापक सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए केंद्र सरकार की नौकरी से इस्तीफा, बामसेफ डी एस फोर और
अंततः 1984 में भाजपा की स्थापना कुशाग्र रणनीतिकार आप राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे। उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संगठन करता सांप्रदायिक धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र। इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय। इसने धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को सरगम किया और अपने छठे अध्याय में पढ़ा था कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनाई। शुरू शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज्यादा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपना विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल भाजपा को 1990 और 1984 के चुनाव में खास सफलता नहीं मिली। 1996 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति की सत्ता चुन और हिंदू को लाभवंत करने की रणनीति अपनाई। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को BD सर्वाकर ने गढ़ा था और इसके परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय और उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया। उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ मात्र पितृभूमि बल्कि अपनी पूर्ण भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। वे यह भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियादी केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। 1986 में ऐसी दो बातें हुई जो एक हिंदुवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाजा से प्रधान हो गई। इसमें पहली बात 1985 में साहबानो मामले से जुड़ी है। यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला साहबानो का था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च अदालत ने साहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातन पंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लाभ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक से जुड़े अधिकारों पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों मुस्लिम मतलब महिलाओं का जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई और अनावश्यक रियायतें तथा तुष्टिकरण करार दिया। अयोध्या विवाद दूसरी बात का संबंध फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाया गया फैसले से है। इसी अदालत ने फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के अहाते का तला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहां पूजा पाठ कर सके क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चल आ रहा था। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपाहलार था। कुछ हिंदू मानते थे कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई थी। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। जैसा कि बाबरी मस्जिद के हाथों का ताला खुला वैसे ही दोनों पश्चिम में लाम मंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदाय में लाम मंद करने की कोशिश में जुट गए। भाजपा ने इसे अपना बहुमत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लाम मंद के कार्यक्रम चलाए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ में उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। विध्वंसक और उसके बाद जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा
का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रम दान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा पर पूरा इंतजाम करे। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश में विभिन्न भागों से लोग आए जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंसक की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमान के बीच झड़प हुई। 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्ते तक जारी रही। द हिंदुस्तान टाइम्स बाबरी मस्जिद डिमोलिसाइड सेंट्रल सॉक्स कल्याण गवर्नमेंट। ये बाबरी मस्जिद दुनिया नई दुनिया से बाबरी मस्जिद पूर्णतः ध्वंस अखबार में छपी। अयोध्या बीजेपी वरिष्ठ मिस कैलकुलेशन भी भाजपेयी डिमोलिशंस कास्ट बाय द रिमोर्स अडानी वायलेंट रिएक्शन वर्ल्ड ओवर। सभाकर द पायनियर एम द स्टेटमेंट। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश के सत्तासीन भाजपा की सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार थी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उन पर स्थितियों की जांच करने के लिए कहा। उनकी परिणति मस्जिद के विध्वंसक के रूप में हुई। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंसक की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध बताया। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ कुछ वैसे ही सवाल आने खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था कि क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबा दबा कायम होगा, या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर से मुखर हो उठा। इन कार्रवाइयों से उन विनाशकारी घटनाओं ने अनगूंज सुनाई देती है। जिनकी पंडिति 6 दिसंबर 1992 के दिन स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद ढांचे के ध्वंस में हुई थी। हजारों निर्दोष नागरिक ने जान गंवाई। धन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और उससे भी भारी क्षति तो यह हुआ हुई कि इस महान भूमि की छवि को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर धक्का पहुंचा कि यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, विश्वास और भाईचारे की महान परंपरा का पालन संरक्षण किया जाता रहा है। यह दुख की बात है कि एक राजनीतिक दल के नेता और मुख्यमंत्री को अदालत की अवमानना के अभियोग का सब सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए किया गया है। हम उसे अदालत को अवमानना का दोषी करार देते हैं, क्योंकि इस अवमानना से ऐसे बड़े मुद्दे जुटे हैं जिनका असर हमारे धर्मनिरपेक्षता ताने बाने की बुनियाद पर पड़ता है। इसलिए हम उस एक दिन के प्रतीकात्मक कारावास का दंड भी देते हैं। मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया और न्यायमूर्ति जी एन रे सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने वायदा किया था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे की रक्षा की जाएगी। इसका वायदा खिलाफी से जुड़े एक मुद्दे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ 28 अक्टूबर 1984। इसी अवधि में चुनाव उद्देश्य के धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल पर भी बहस छिड़ी। भारत और लोकतांत्रिक राजनीति इस वायदे पर आधारित है कि सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा। सांप्रदायिक
सौदार्य के इस लोकतांत्रिक माहौल में 1984 के बाद से कई दफा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हमें 8वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ऐसा 1984 के सिख विरोधी दंगे में हुआ। ठीक इसी तरह 2002 के फरवरी मार्च के में गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा भड़की। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ऐसी हिंसा और दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव लोकतंत्र के ऊपर खतरा। ये गुजरात इज द बर्निंग फॉर्मर एमपी फैमिली अमंग द 70 डेड। ये ब्लैक एसेज गुजरात के दंगे 2002 में फरवरी मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तत्कालीन उकसावा साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसे आग लगा लग गई। 57 व्यक्ति इस आग में मार गए। यह संदेश करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों ये इंडियन एक्सप्रेस एन आई फॉर एन आई बिलिंग्स ग्लाइंडर्स गुजरात इंसिडेंट इज ब्लड पियम। 27 फरवरी 1947 में संविधान सभा से संबंधित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा आदिवासी एवं अन्य मामलों की सलाहकार समिति की पहली ही बैठक में पटेल ने जोर देकर कहा था कि यह हमारे ऊपर है कि हम इसे एक खोखला दावा एक झूठा दावा साबित करें और जता दें कि अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा की चिंता हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। हमारा ध्येय उनमें से हर एक को संतुष्ट करना है। आइए हम साबित करें कि हम अपने ऊपर शासन कर सकते हैं और किसी दूसरे पर शासन करने की हमारी महत्वाकांक्षा नहीं। गुजरात की घटना से देश मर्मत है। इन घटनाओं की शुरुआत गोधरा कांड से हुई और फिर लगातार 2 महीने से भी ज्यादा हिंसा का तांडव मचा जिससे पूरा राज्य दहला उठा। इसमें कोई शक नहीं कि आयोग की राय में राज्य सरकार लोगों के जीवन स्वतंत्रता समता और गरिमा के हनन को रोकने में बुरी तरह नाकाम रही। घावों को भरना और शांति सौदर्य से भरे भविष्य की राह तलाशना जरूरी है लेकिन इन उच्च आदर्शों को पाने की कोशिश न्याय तथा देशों के संविधान के मूल्य और कानून की बुनियाद पर की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2001 से 2002 में क्या यही हमारा भविष्य होने जा रहा है? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम इन बातों को बीते हुए दिनों की बातें बना दें? क्या यह हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो लोग ऐसे जनसंहार की योजना बनाए अमल करें और उसे समर्थन दें वे कानून के हाथों से बच न पाए? ऐसे लोगों को कम से कम राजनीतिक रूप से तो सबक सिखाया ही जा सकता है। ये नो लेट अप इन गुजरात कार्नेज गुजरात इंसिडेंट और एनफराई ये छपे अखबारों के कतरने हैं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा की यह तांडव लगभग 1 महीने जारी रहा। लगभग 1100 व्यक्ति जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे इसी हिंसा में मारे गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने मुक्त भोगियों को राहत देने तथा हिंसा करने वाले पर कानूनी कार्रवाई करने में असफल रहने के आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार की आलोचना की। भारत ने चुनाव आयोग से गुजरात विधानसभा को चुनाव को रोकने का फैसला किया। 1984 के सिख विरोधी दंगे के सामने गुजरात के दंगे से भी यही जाहिर हुआ था कि सरकार मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है। गुजरात में घटी ये घटनाएं हमें आगाह करती हैं कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। इससे हमारी लोकतंत्र राजनीति को खतरा पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री गुजरात के को मेरा संदेश है कि वे राजधर्म का पालन करें। शासक को अपनी प्रजा के बीच जाति मत या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 4 अप्रैल 2002 एक नई सहमति का उदय। यह 1989 के बाद की अवधि को कभी 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 कभार कांग्रेस का पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। यदि आप इस दौर को राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा के चुनावी हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी। कांग्रेस और भाजपा की चुनावी जीत हार बदलाव का परिदृश्य।
1984 में 415, 1989 में 85 और 197, 1991 में 221, 244, 1996 में 160, 140, 1999 में 182, 114, 2004 में 138, 145, 2009 में 116, 206, 2014 में 14, 282, 2019 में 303, 152, नहीं केवल 52, भाजपा और कांग्रेस वोटों की हिस्सेदारी प्रतिशत में वोटों की हिस्सेदारी 48.8, 1984 में 7.4, 1989 में 11.4, 39.5, 1991 में 20.1, 36.4, 1996 में 20.3, 28.8, 1998 में 25.6, 1999 में 23.8, 28.3, 2004 में 22.2, 26.5, 2009 में 18.8, 28.2, 2014 में 19.5, 31.3, 2019 में 19.5, 37.5, कांग्रेस और भाजपा। आइए ऊपर दी गई तालिका की सूचनाओं की अर्थ खोजने की कोशिश करें। गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा से लगे हुए थे। 1984 के चुनाव से तुलना करने पर आप इन पार्टियों की चुनावी सफलता में क्या अंतर पाते हैं? आप देखेंगे कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों को जोड़ दे तो तब भी 1989 के बाद उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि वे कुल मतों के 50% से ज्यादा हों। ठीक इसी तरह इन दोनों दलों को जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़ हैं तो आप देखेंगे कि ये लोग सीटें लोकसभा की कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं है, तो बाकी वोट और सीट कहाँ गया? आइए दूसरे अध्याय की बातों को याद करें। आपने इस अध्याय में दो पार्टी तंत्रों के बारे में पढ़ा था। आइए इस किताब की आखिरी पन्ने पर नजर डालते हैं कि यहाँ कांग्रेस और जनता पार्टी तंत्र के आरेख पर गौर कीजिए। मौजूदा दल में ऐसे कौन कौन से दल है जो न तो दलों के कांग्रेस परिवार में थे और न ही जनता पार्टी परिवार में? 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला भाजपा नीति गठबंधन और कांग्रेस नीति गठबंधन के बीच चला। क्या आप ऐसी पार्टियों की सूची बना सकते हैं जो दोनों में से किसी गठबंधन में शामिल नहीं है? 2004 में के लोकसभा चुनाव, 2004 की चुनाव में कांग्रेस भी पूरी जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई, रजत की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सप्रंग की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। उस सप्रंग की को वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस को का पुनरुत्थान भी हुआ। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटें की संख्या एक बार फिर बढ़ी। बहरहाल 2004 के चुनाव में रजत और संपर्क को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई है। 1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही है उसमें मुख्य रूप से चार तरह की पार्टियों के उभार को पढ़ सकते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल, भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल, वाम मोर्चे के दल और कुछ ऐसे दलों जो इन तीनों में से किसी में भी शामिल नहीं है। इस स्थिति से संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा। इन स्थितियों का एक ताकाया राजनीतिक विचारधाराओं में हेर फेर भी है। बढ़ती सहमति, बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ रही है। इस सहमति में चार बातें हैं। पहला, नई आर्थिक नीति पर सहमति। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ हैं, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में हैं। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीति से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। लोकसभा चुनाव 2004 का परिणाम, रजत, सप्रंग, वाम दल और अन्य। ये पहले वाले जो कलर है रजत का, दूसरा कलर पीला, सप्रंग का वाम दल के लिए लाल वाले हैं, अन्य के लिए नीले वाले कलर में दिखाई गई है। भारत चुनाव आयोग से चित्र लिया गया है।
दूसरी पिछड़ी जाति के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है कि पिछड़ी जाति के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है। इस कारण आज भी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार से पिछड़ी जाति के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में है। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदारी बने बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथी, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीति, गठजोड़ गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातें पर जोर दे रहे हैं। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा कि हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकार लेगी। भारत की राजनीति। इस अध्याय की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी। इस स्थिति में से चलकर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तेज है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा जीत राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों के कुछ मसलों पर सहमति। और अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय हैं तो जन आंदोलन और गठन विकास के नए रूप, स्वप्न और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। ये आंदोलन राज्य की उसकी जिम्मेदारियों के लिए सचेत कर रहे हैं। इसी तरह लोग जाति, लिंग और वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी और यह राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीजों के मंथन के बीच आकार ग्रहण करेगी। मेरा सवाल है कि क्या लोकतंत्र बचेगा? या फिर असली सवाल यह हो सकता है कि क्या लोकतंत्र के भीतर से सार्थक नेतृत्व उभर कर सामने आएगा? 1990 क्या बीपी सिंह चल पाएंगे? 19 नवंबर 1990 में क्या चंद्रशेखर टिक पाएंगे? 1991 जून 1991 क्या राव चल पाएंगे? 19 जून 1996 क्या गौड़ा टिक पाएंगे? अप्रैल 1997 क्या गुर्जाल बच पाएंगे? मार्च 1998 क्या वे भाजपेयी टिक पाएंगे? 2000 क्या भारत बच पाएगा? सभाकर रविशंकर, इंडिया टुडे से चित्र लिया गया है। 17वीं लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति। अन्य 20% भारतीय जनता पार्टी, 56% बहुजन समाज पार्टी, 2% बीजू जनता दल बीजेडी, 2% जनता दल यूनाइटेड जदयू, 3% शिवसेना, 3% द्रविड़ मुन्नकंडम डीएमके, 4% इंडिया नेशनल कांग्रेस, 10% भारतीय जनता पार्टी, 303 इंडिया नेशनल कांग्रेस, 52 द्रविड़ मुन्नकंडम डीएमके, 18 24 शिवसेना, 18 जनता दल यूनाइटेड जदयू, 16 बीजू जनता दल, 12 बहुजन समाज पार्टी, 10 अन्य, 108। HTTP लोकसभा NIC से यह लिया गया है। उसके बाद आपको प्रश्न आवली खुद करें कुछ सीखे। अध्याय में 2004 के चुनाव 14वीं लोकसभा तक भारतीय राजनीति की प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2009 में आयोजित किए गए, जिसके दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में सप्रंग की जीत हुई। 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली रजक विजेता बनकर उभरी। 17वीं लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति पृष्ठ संख्या 193 पर दर्शाई गई है। 17वीं लोकसभा के सदस्यों की एक विस्तृत अध्ययन लोकसभा की वेबसाइट HTTP लोकसभा NIC
एनआईसी इन पर उपलब्ध है। भारत निर्वाचन आयोग वेबसाइट https://ecinic इन से परिणाम के बारे में आंकड़े एकत्र करके 2009 के चुनाव 15वीं लोकसभा और 2019 के चुनाव 17वीं लोकसभा में विभिन्न राजनीतिक चुनाव दलों के चुनाव प्रदर्शन की तुलना करें। 2004 के बाद से भारत की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं की एक घटनाक्रम तैयार करें और अपनी कक्षा में उस पर चर्चा करें। 2004 में संसद में दलीय स्थिति, पार्टी आम आदमी पार्टी 4-1, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेकड़म 09-37-1, बहुजन पार्टी 19-21 खाली 10, भारतीय जनता पार्टी 138-116 282-303, बीजू जनता दल 11-14-20-12, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 43-16-9-3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 10-4-1-2, द्रविड़ मुन्नेकड़म 16-18-24, नेशनल कांग्रेस 145-246-44 और 52, जनता यूनाइटेड दल 8-20-2-16, जनता दल सेकुलर 3-3-2-1, लोक जनशक्ति पार्टी 4-6-6, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 24-9-9-6-5, राष्ट्रीय जनता दल 24-4-4, राष्ट्रीय लोक दल 3-5-1, समाजवादी पार्टी 36-23-5-5, शिरोमणि अकाली दल 8-4-4-2, शिवसेना 12-11-18-18, अन्य 54-60-98-82, कुल 543 543 543 सदस्यों, संसद सदस्यों की कुल संख्या 545, राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेश से 13 तथा एंग्लो इंडियन समूह से 2 है, जिनको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा, इंटीग्रिटी प्लेजेट, मेरा विश्वास है कि मेरे देश में आर्थिक राजनीतिक सामाजिक प्रगति से भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अंततः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा, न तो रिश्वत लूंगा और न ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा, जनहित में कार्य करूंगा, अपनी निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के बारे में जानकारी के लिए लॉगिन करें www.cbcnicin।